हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं गुरमीत और आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरमीत किचन में। आज की हमारी रेसिपी है एकदम सिंपल और आसानी से बनने वाली मूंगरे की चटनी। चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चटनी बनाने के लिए हमने एक प्याज लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 पीस हमने हरे लहसुन के लिए इसको बारीक बारीक काट लिया है, 2 हरे प्याज इसको भी हमने बारीक काट लिया है और 200 ग्राम मूंगरे लिए हैं इनको हमने धोकर रख लिया है और धनिया और हमने 15 से 20 पुदीने के पत्ते, 1 पीस गुड़ का लिया है और 1 चम्मच लेमन जूस। चलिए अब हम इसको ग्राइंडर जार में डालते हैं। मूंगरे की चटनी को बनाना बहुत ही आसान है, इसको आप 2 से 3 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। मूंगरे आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मूंगरे की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। आलू और मूंगरे की सब्जी बहुत ही टेस्टी और आसानी से बन जाती है। हमें मूंगरे मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने घर पर अपने मूली के पौधे लगाए हुए थे, उसके ऊपर हमारे मूंगरे लगे हुए थे, हमने उसकी चटनी बना ली। अगर आपके पास भी मूली के पौधे हैं तो आप भी उसको पकने दीजिए और उसके ऊपर फूल लगेंगे तो आपके मूंगरे तैयार हो जाएंगे। धनिया हम थोड़ा सा डालकर इसको बाद में दोबारा डाल लेंगे, थोड़ा सा पीसने के बाद डालेंगे इसको। अब हम इसके बीच पुदीना ऐड करेंगे, गुड़ का पीस और लेमन जूस। अब हम इसके बीच नमक ऐड करेंगे। नमक हमने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इसके बीच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच जीरे का। अब हम अपनी चटनी को पीसेंगे। बहुत ही टेस्टी और मिनटों में बनने वाली ये चटनी आप परांठों के साथ सुबह खाइए, बहुत ही अच्छी और बहुत टेस्टी होती है और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। आप इस चटनी को 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।